लगातार हो रही चोरी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए एसपी मनोज कुमार सिंह ने सीएसपी एचएन बाथम व थाना प्रभारी संजय वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की और चोरों की धरपकड़ शुरू की। यह शातिर चोर नागदा के दौरान उन्हें मकानों में धावा बोलते थे। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। कुछ सीसीटीवी फुटेज में चोर चोरी करते हुए दिखाई दिए। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को मुखबिर की सूचना से जानकारी लगी कि विक्रम नगर पानी की टंकी के पास तीन संदिग्ध हालत में लड़के सिल्वर कलर की बिना नंबर की सुजुकी स्कूटर को लिए खड़े हैं। जब यहाँ पुलिस पहुंची तो इन्होंने भागने का प्रयास किया, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपने नाम शहनवाज, शादाब व अतीक बताए हैं और इन्होंने नागझिरी क्षेत्र की सनराइज सिटी व पावापुरी थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के बसंत विहार एवं थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र के इंदिरा नगर व अलाउंस सिटी में चोरी करना कबूला है। वहीं इनका एक साथी शाहिद फरार बताया जा रहा है। चोरों के पास से 20 ग्राम सोने का एक हार, 10 ग्राम की दो जून की 40 ग्राम की चार चूड़ियां, चांदी के 190 ग्राम के आभूषण, एक आईपैड, एप्पल मोबाइल, एक बिना नंबर की स्कूटी सुजुकी कंपनी की बरामद की है। चोरी की वारदात के खुलासे में सब इंस्पेक्टर रोहित पटेल, विक्रम सिंह चौहान, लीबान कुजूर, एएसआई सलीम खान, आरक्षक प्रवीण सिंह चौहान, सूरत सिंह, सुमेंद्र दुबे, कुलदीप, कपिल राठौर एवं साक्षी जोशी की सराहनीय भूमिका रही। मोबाइल चोरी के मामले में उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फाजलपुरा में के रहने वाले तेज मोबाइल चोरी के मामले में उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है पुलिस ने फाजलपुरा के रहने वाले तेज सिंह बाथम और राकेश उर्फ बंटू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। यह दोनों शातिर चोर लोगों के हाथों में से मोबाइल छीन कर ले जाते थे। आरोपी तेज सिंह बाथम पर 5 थाने में प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के पास से 4 मोबाइल जब्त किए हैं। ये मोबाइल अलग अलग क्षेत्रों से इन चोरों ने चुराए थे। पुलिस ने वह मोटरसाइकिल भी जब्त की है जिस पर बैठकर ये मोबाइल छीन कर भाग जाया करते थे। मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने में थाना पवासा प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, एएसआई राम बालक सिंह, आरक्षक विनोद ठाकुर, वीरेंद्र जाट, रवि शर्मा, थाना नानाखेड़ा के प्रधान आरक्षक स्वतंत्र सिंह तोमर, आरक्षक अनिल आर्य, रिजवान व प्रकाश की सराहनीय भूमिका रही। उज्जैन से संवाददाता राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। सर, आज उज्जैन पुलिस को फिर एक अच्छी सफलता मिली है, कोई चोरी का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? थाना पवासा क्षेत्र में एक मोबाइल लूट की वारदात हुई थी कुछ दिनों पूर्व। वहाँ पर उस मोबाइल लूट में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। उन दोनों आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है और साथ में पूछताछ करने के बाद में 3 अन्य मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने अलग अलग वारदातों में प्राप्त किए थे। उनके 2 आरोपी हैं, एक तेज सिंह है, एक राकेश है। ये दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो तेज सिंह है, इसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड है, ये पहले भी मोबाइल चोरी की वारदातें कर चुका है और अभ्यस्त अपराधी है। इसके साथ में जो करण है, वो राकेश जो है वो पहली बार शामिल हुआ है साथ में। इसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बट ये इसके साथ में था। इसके द्वारा जो तेज सिंह के द्वारा जो वारदात की गई, वारदात करने का जो वाहन उपयोग किया गया वो भी जब्त किया गया है इसमें। और ये वारदात करने के समय अपने वाहन से नंबर प्लेट निकाल लेता था और वारदात करने के बाद में वापस लगा लेता था। और भी कोई खुलासा होने की संभावना है? एक नागझिरी थाना क्षेत्र की एक चोरी की वारदात है, खुलासा हुआ, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक शहनवाज महाकाल का है, शादाब और अतीक, ये दोनों जीवनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो है सोने मकानों में देखकर नकबजनी की वारदातें की गई हैं, जिसमें से अभी कुछ दिनों पूर्व नागझिरी थाना क्षेत्र में एक बड़ी नकदबंदी की वारदात हुई थी, उसको भी इसमें से ट्रेस आउट हुई है। 2-3 वारदातें ऐसी भी मिली हैं जिनमें सामान बरामद हुआ है और उसकी रिपोर्ट नहीं है। वो लॉकडाउन के समय से ही वो लोग बाहर गए हुए हैं, अभी लौट के नहीं आए हैं। पड़ोसियों से पता किया गया तो उनके फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट उनके पास नहीं होने से अभी पता चल नहीं पाया। उसमें भी आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सोने चांदी के आभूषण और आईपैड, इस तरह की और घरेलू उपयोग की सामग्रियाँ भी जब्त हुई हैं।